सोलन में हिमाचल उत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में बगाड बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं नगर परिषद के पार्षद भरत साहनी, नरेश गांधी, एसडीओ प्रमोद कुमार बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। सांस्कृतिक संध्या में नोहरा धार की लोक गायिका रीना चौहान ने बेहतरीन पहाड़ी गीतों पर उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। स्कूलों की नृत्य प्रतियोगिता में डीएबी स्कूल, बीएल स्कूल, ग्लोबल जीनियस स्कूल, यूरो किड्स, टैगोर स्कूल, सेंट ल्यूकस स्कूल, गीता आदर्श विद्यालय के बच्चों ने खूब मनमोहक प्रस्तुतियां दी। सुप्रसिद्ध मुख्य गायक दीपक चौहान और अजय चौहान ने एक से बढ़कर एक हिंदी, पहाड़ी और पंजाबी गीत सुनाते हुए उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पवन गुप्ता ने बताया कि वे पिछले काफी वर्षों से हिमाचल उत्सव से जुड़े हैं और लगातार इसका स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल उत्सव में जहां पंजाब, हरियाणा के कलाकारों को अपनी कला दिखाने का मौका मिलता है, वहीं स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा निखारने का सुनहरा अवसर मिलता है, जिससे कलाकारों में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। डॉक्टर वाई एस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नोनी के सब्जी विज्ञान विभाग में इन दिनों युवा वैज्ञानिकों को सब्जी उत्पादन पर एडवांस ट्रेनिंग दी जा रही है। आपको बता दें कि देश के करीब 9 राज्य हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तेलंगाना आदि राज्यों के 25 युवा वैज्ञानिक इसमें भाग ले रहे हैं। 21 दिनों तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में इन वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन के परिवेक्ष में सब्जी उत्पादन में कैसी कैसी अच्छी गुणवत्ता लाए और किस तरह से पैदावार को बढ़ाए, इस पर आधारित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादन में जो नए अनुसंधान हुए हैं व जो नई नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं, उनके बारे में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्य करने वाले नए युवा वैज्ञानिकों व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले नए असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें विषय उन्मुख बनाना है। ताकि वे सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में नई व पुरानी पद्धति के अलावा जो नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं, उन्हें किसानों तक पहुंचाकर सब्जी उत्पादन की गुणवत्ता व पैदावार को बढ़ाने में सहयोग कर सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सब्जी उत्पादन में जो नए अनुसंधान हुए हैं व जो नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, उनके बारे में कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्य करने वाले नए युवा वैज्ञानिकों व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्य करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर स्तर के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें विषय उन्मुख बनाना है। मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे देश में सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में जो नए विकास हुए हैं और नई चुनौतियां हैं और नए अनुसंधान अन्वेषणों को किस प्रकार से हमारे जो कृषि अनुसंधान विश्वविद्यालयों के अंतर्गत या भारतीय कृषि अनुसंधान के अंतर्गत कार्यरत जो हमारे नए कार्यकर्ता रहते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, उनको इन संबंध में प्रशिक्षण दे करके उन्हें सब विषय उन्मुख रूप से तैयार करना, ताकि वो किसानों को सब्जी उत्पादन में वर्तमान में या पश्चात में जो हमारी पद्धतियाँ रही हैं सब्जी उत्पादन की या जो नए तौर तरीके विकसित किए गए हैं, उनकी जानकारी देके उनको शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए और प्रसार के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से और उन्नत बनाने का एक प्रयास ये भारत सरकार का कृषि अनुसंधान परिषद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर ऊना में बीजेपी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने 50 यूनिट रक्तदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस मनाया। शिविर में रक्तदान करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर में पार्टी द्वारा निर्धारित 50 यूनिट का लक्ष्य पूरा होने की बात कहते हुए मंत्री साहब ने अपने द्वारा जरूरत पड़ने पर रक्तदान की बात कही।
हालांकि मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेवा पुरुष बताते हुए उनके सेवा कार्यों को ही आगे बढ़ाने की बात कही। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने विपक्ष के आयुर्वेदिक फार्मेसी यूनिट के ऑन सेल के आरोपों को निराधार बताया और कांग्रेस कार्यकाल में औद्योगिक विकास और निवेश नहीं आने का आरोप लगाया। उन्होंने मौजूदा जयराम सरकार के अभी तक के कार्यकाल में 40,000 करोड़ का निवेश आने का दावा किया। उन्होंने विपक्ष को सिर्फ बिना आधार बातें बनाने वाला करार दिया। कि वो पहले भी ऐसा जब पूर्व में हमारी सरकार थी तब भी ये करता था कि हिमाचल ऑन सेल ये नारे लगाया करते थे, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने वही काम किया लेकिन रोजगार नहीं दे पाए, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। अब जब हम जनता ने हमें जनादेश दिया, लोकसभा में जो है वो एक तरफिया जनादेश दिया और ये हमारी जिम्मेवारी है कि प्रदेश के नौजवानों को हम रोजगार दे। हम योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, विपक्ष का काम है वो विपक्ष करे, सत्ता पक्ष का काम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी करें और मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टमेंट भी आएगी और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दिन में अगर आवश्यकता होगी, मैंने कहा कि टारगेट जो 50 का था वो पूरा हो गया है, अगर जरूरत पड़ी तो हम तो हमेशा तैयार ही हैं, जब भी कोई कहेगा तो हम जो है वो तैयार हैं, कोई ये नहीं।